नमस्कार दोस्तों दोस्तों हाथरस केस का सबसे बड़ी अपडेट लेकर के मैं आया हूं आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हाथरस का न्यूज़ चाहिए, क्या अपडेट है, किस तरह से क्या केस चल रहा है, कई दिनों से कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट लेकर के मैं आया हूं। दोस्तों बता दूं आपको कि हाथरस केस में चारों आरोपी को जो बंद कर रखा है जेल में और सुनवाई जो पेंडिंग चल रही है, अभी तक सुनवाई स्टार्ट नहीं हुआ है। भले ही कोरोना काल चल रहा है, लेकिन आस्ते आस्ते सभी कुछ को अनलॉक किया जा रहा है, तो ये हो सकता है कि अदालत की कार्रवाई भी शुरू करे। लेकिन एक खबर सबसे बड़ी आ रही है कि हो सकता है कि चारों आरोपी को छोड़ दिया जाए। ये मैं आपको गारंटीड नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट एक अनुमान है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कई महीनों से सुनवाई को पेंडिंग रखा गया है। भले ही कारण कोरोना हो, लेकिन इस समय में जहाँ पे जो कह सकते हैं कि न्याय सबसे बड़ी चीज़ होती है, न्याय दिलाना, जो उस पीड़िता को न्याय दिलाना सबका सबसे पहला कर्तव्य होता है, लेकिन न जाने क्यों जो है वो प्रशासन या कह सकते हैं लोग कह सकते हैं कि अभी तक उस पीड़िता को न्याय नहीं दिलाया गया है। भले ही ऐसा माना जा रहा है कि उस समाज में उसी को सज़ा मिलती है जिनकी जाति छोटी होती है, जो छोटी जात के लोग होते हैं उन लोगों को ही सज़ा मिलती है, लेकिन जैसे कि ठाकुर है उस वहाँ पे, तो उस वजह से हो सकता है कि उन लोगों को ठाकुर के वजह से उन लोगों को सज़ा ना मिले। तो ऐसा आप लगता क्यों है? अगर आपको इसके बारे में कुछ भी अनुमान है और आप कुछ भी बताना चाहते हो कि क्या सजाएं नहीं होंगी या सजाएं होंगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। और फिलहाल अपडेट, सुनवाई जो है अभी तक पेंडिंग है, अभी तक स्टार्ट नहीं है, तो देखते हैं सुनवाई कब स्टार्ट होती है, कैसे अपडेट आती है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है कि चारों आरोपी को छोड़ दिया जाए। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो अगर आप अभी पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं और पसंद आ रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।